देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का नंबर वन न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। बैंक मोड़ थाना की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, मैं आपको बता दूं कि आज प्रेस वार्ता में बैंक मोड़ थाना के इंस्पेक्टर ने मीडिया को जानकारी दिया, देसी लोडेड कट्टा लेकर एक व्यक्ति को बैंक मोड़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, देखिए थाना प्रभारी ने क्या कहा नेशनल टुडे लाइव के माध्यम से। 2019 को संध्या गश्ती के क्रम में थाना क्षेत्र में हम लोग आसूचना संकलन और संध्या गश्ती कर रहे थे। सशस्त्र बल और साहब सत्येंद्र कुमार पाल और वीरेंद्र नाथ दुबे पुलिस पदाधिकारी के साथ, तो एक गुप्तचर के द्वारा सूचना दी गई कि पुरानी बाजार पानी टंकी के नज़दीक एक आपराधिक किस्म का युवक जिसके पास अवैध आग्नेयास्त्र है संदिग्ध स्थिति में घूम रहा है मोटरसाइकिल से और शायद अपने किसी और अपराधी मित्र सहयोगी जाने का इंतजार कर रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुरानी बाजार पानी टंकी के नज़दीक हम लोग पहुँचे तो वहाँ एक अपाची मोटरसाइकिल लगा के उसके किनारे एक युवक जो चेकदार शर्ट और जीन्स पहने हुए था वो वहाँ संदिग्ध हरकत कर रहा था। पुलिस पर नज़र पड़ते हुए भागने का प्रयास किया जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत जब उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रवि सिंह पिता कुलवंत सिंह झरिया निवासी बताया। उसकी तलाशी ली गई उसके शरीर की तो उसके कमर से 7.65 mm का सेमी ऑटोमेटिक एक पिस्टल जो लोडेड स्थिति में था वो बरामद हुआ और उसके मैगजीन में 4 राउंड जिंदा 7.65 mm की गोली लोड थी। डिटेल उस अपराधी से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि ये पूर्व में भी 2 बार जेल जा चुके हैं और इनकी जो गतिविधि है पूर्व से लेकर अभी तक संदिग्ध रही है, पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था। हाँ, 2 बार ये जेल जा चुके हैं और उनके अन्य सहयोगियों के विषय में भी जानकारी मिली है। उस पर हम लोग सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। वो यहाँ अपने कुछ अन्य अपराधी सहयोगियों के साथ कुछ योजना में था और जिस संबंध में हम लोग और डिटेल तहकीकात करके और अग्रेसर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। ये पूरा एक गिरोह संगठित गिरोह काम कर रहा है। हाँ, इसमें इनके कुछ और सहयोगी हैं धनबाद के इंडिया के, उस सब की जानकारी हमें मिली है और इससे हम लोगों को इस इनके गिरोह और इनके जो आपराधिक सहयोगी हैं उस पर नियंत्रण करना बहुत